नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से फिनोटेक यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, असेसमेंट ईयर 2024-25 के लिए न्यू टैक्स रिजीम में 7 लाख रुपए तक की इनकम को टैक्स फ्री कर दिया गया है। मतलब कि 87A का रिबेट मिल जाएगा अगर आपकी इनकम 7 लाख रुपए तक आती है। और अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम में जाते हैं तो अभी भी पुराने वाला ही स्लैब है। मतलब कि अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपए तक आती है तो आपको 87A का रिबेट मिलता है और आपकी इनकम टैक्स फ्री हो जाती है। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या आती है कि आपने अगर न्यू टैक्स रिजीम सेलेक्ट कर रखा है और आपकी इनकम अगर 7 लाख रुपए से 50 रुपए भी ज़्यादा हो गई तो आपको काफ़ी सारा टैक्स देना पड़ता है। अब देखिए, सरकार क्या कर रही है कि जो न्यू टैक्स रिजीम है उसको अट्रैक्टिव बना रही है, तो यहाँ पर उन्होंने थोड़ा सा चेंज किया है। और अब अगर आपकी इनकम 7 लाख रुपए से थोड़ा सा ऊपर जाती है तो आपको मार्जिनल रिलीफ दिया जाएगा, यानी आपको टैक्स में थोड़ा सा रिलीफ दिया जाएगा। मार्जिनल टैक्स रिलीफ क्या होता है, इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ये आज आगे इस वीडियो में हम देखेंगे। और एक बात ये ध्यान रखना है कि ये मार्जिनल रिलीफ का जो बेनिफिट है वो सिर्फ न्यू टैक्स रिजीम में मिल रहा है, ओल्ड टैक्स रिजीम में इसका कोई भी कॉन्सेप्ट है ही नहीं। ओल्ड टैक्स रिजीम में अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपए से 1 रुपए ऊपर गई तो आपको अपना जो टैक्स है वो काफ़ी ज़्यादा पे करना पड़ेगा। तो आइए दोस्तों, आज का हमारा ये वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपको ये मार्जिनल टैक्स रिलीफ का कॉन्सेप्ट अच्छा लगे, समझ में आए, तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो देखिए, असेसमेंट ईयर 24-25 से ही ये मार्जिनल टैक्स रिलीफ का कॉन्सेप्ट आया है। बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है और आपके बेनिफिट के लिए सरकार ने इसको इंट्रोड्यूस किया है। तो वीडियो को अब आप आगे ध्यान से देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आप इसकी कैलकुलेशन को आगे समझ नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले हम न्यू टैक्स रिजीम के बारे में कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं उनको जान लेते हैं। न्यू टैक्स रिजीम में 7 लाख रुपए तक की इनकम पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। 87A का रिबेट मिल जाएगा 25,000 रुपए तक। स्टैंडर्ड डिडक्शन सैलरी से 50,000 रुपए का न्यू टैक्स रिजीम में भी अलाउ कर दिया गया है, तो सैलरीड पर्संस और पेंशनर्स दोनों स्टैंडर्ड डिडक्शन ले सकते हैं। कोई भी डिडक्शन चैप्टर 6A के 80C से लेकर 80U तक अलाउड नहीं है। सिर्फ दो डिडक्शन आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगी, 80CCD2 और 80JJAA। इसके अलावा एक और आपको यहाँ पर डिडक्शन देखने को मिलेगा, वो मिलेगा होम लोन के इंटरेस्ट के डिडक्शन का, और ये आपको सिर्फ तभी मिलेगा जब आपने होम रेंट पे ले रखा है। अगर घर सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो ये डिडक्शन भी आपको नहीं मिलेगा। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट्स थे न्यू टैक्स रिजीम के जो हमारा जानना ज़रूरी था। अब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि मार्जिनल टैक्स रिलीफ को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। इस मार्जिनल टैक्स रिलीफ कॉन्सेप्ट के तहत अगर आपकी इनकम 7 लाख रुपए से ज़्यादा भी जा रही है तो भी आप काफ़ी सारा अपना टैक्स बचा सकते हैं। तो यहाँ पर हम इस चार्ट के थ्रू समझेंगे कि मार्जिनल टैक्स रिलीफ किस तरह से अप्लाई होता है। सबसे पहले है नेट टैक्सेबल इनकम, जो कि हमारी ग्रोस टोटल इनकम में से डिडक्शंस माइनस करने के बाद आती है। इसके बाद हमने लिया है एक्चुअल टैक्स, कि हमें कितना टैक्स इस हमारी जो इनकम है नेट टैक्सेबल इनकम इसके ऊपर पे करना है। उसके बाद है मार्जिनल रिलीफ, कि हमें कितना मार्जिनल रिलीफ मिलेगा कैलकुलेट करने पर। और उसके बाद में है टैक्स बेनिफिट्स, कि हमें कितना फ़ायदा हो गया। तो देखिए, हमें पता है कि 7 लाख रुपए तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं होता है, तो हमारा यहाँ पर एक्चुअल टैक्स नील रहेगा। मार्जिनल टैक्स रिलीफ इस इनकम पर अप्लाई नहीं होगा। जो हमारा टोटल टैक्स बेनिफिट बन जाएगा वो बन जाएगा 25,000 रुपए का, जो कि 87A का रिबेट है, कि हमें 25,000 रुपए का बेनिफिट हो जाता है। अब ये मार्जिनल टैक्स रिलीफ का कॉन्सेप्ट शुरू होता है जब आपकी इनकम 7 लाख रुपए से थोड़ी इंक्रीज होती है। अब मान लेते हैं कि आपकी इनकम हो गई, नेट टैक्सेबल इनकम जो है वो हो गई 7,10,000 रुपए की। तो ये सिर्फ 10 रुपए की इनकम बढ़ जाने से आपका जो टैक्स बनेगा इस इनकम पर वो बनेगा 25,001 रुपए। सिर्फ 10 रुपए के इंक्रीज से आपका एक्चुअल टैक्स देखिए कितना ज़्यादा बढ़ गया है। 7 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं देना पड़ रहा था, और जैसे ही हमारी इनकम 10 रुपए बढ़ती है हमें 25,000 रुपए का टैक्स बढ़ गया है, देखिए। और यहीं से स्टार्ट होता है हमारा ये मार्जिनल टैक्स रिलीफ का कॉन्सेप्ट। सरकार क्या बोलती है कि देखिए, आप हमें 7 लाख रुपए तक कोई टैक्स मत दीजिए, लेकिन जो आपकी ऊपर इनकम गई है 7 लाख रुपए के ऊपर, वो आप हमें टैक्स के रूप में दे दीजिए। तो 7 लाख के ऊपर हमारी इनकम कितनी गई, 10 रुपए। तो सरकार क्या कहती है कि आप 10 रुपए हमें ये टैक्स के रूप में दे दीजिए। तो दोस्तों, यही है मार्जिनल टैक्स रिलीफ का कॉन्सेप्ट, कि हमें यहाँ पर मार्जिनल रिलीफ कितना देना पड़ा, 10 रुपए, और हमें टैक्स बेनिफिट कितना हो गया, 24,991 रुपए। एक और एग्जाम्पल लेके देखते हैं 7,20,000 रुपए की इनकम का। तो 7,20,000 रुपए के ऊपर हमारा एक्चुअल टैक्स कितना बनेगा, 27,000 रुपए। लेकिन मार्जिनल रिलीफ क्या कहता है कि
आप हमें सिर्फ 20,000 रुपये जो आपकी इनकम ऊपर गई है 7 लाख रुपये के, वो हमें टैक्स के रूप में दे दीजिए और इससे हमें टैक्स बेनिफिट हो जाएगा 7,000 रुपये का। तो 7,20,000 पर हमारा एक्चुअल टैक्स कितना बन रहा था? 27,000 रुपये। और मार्जिनल रिलीफ कॉन्सेप्ट के तहत हमें कितना देना पड़ा? 20,000 रुपये। तो यहाँ पर हमने 7,000 रुपये की बचत की। अभी इसकी मैक्सिमम लिमिट भी आएगी कि जहाँ तक ये रिलीफ का कॉन्सेप्ट है ये अप्लाई होगा। ऐसा नहीं है कि ये अप्लाई होता ही चला जाएगा, इसकी एक मैक्सिमम लिमिट भी आएगी। चलिए देखते हैं कि ये लिमिट कहाँ पर आएगी। एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं 7,25,000 रुपये की नेट इनकम का। तो देखिए 7,25,000 रुपये के ऊपर हमारा जो एक्चुअल टैक्स बनता है वो बनता है 27,500 रुपये। लेकिन मार्जिनल रिलीफ कॉन्सेप्ट अगर हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो हमें टैक्स कितना देना पड़ेगा? 7 लाख रुपये से जो ऊपर इनकम है यानी 25,000 रुपये। तो एक्चुअल हमारा बन रहा था 27,500 रुपये, लेकिन मार्जिनल टैक्स कॉन्सेप्ट के तहत हमें कितना देना पड़ा? 25,000 रुपये। तो हमें यहाँ पर बेनिफिट मिला 2,500 रुपये का। अब हम बात करते हैं इस कॉन्सेप्ट की मैक्सिमम लिमिट की। तो इस कॉन्सेप्ट का जो मैक्सिमम रीच है वो आपका जाएगा 7,27,770 रुपये तक। तो इस इनकम पे 7,27,770 रुपये पे आपका जो एक्चुअल टैक्स है वो बनेगा 27,777 रुपये। और लेकिन मार्जिनल रिलीफ के तहत आपको कितना देना पड़ेगा? 27,770 रुपये। तो आपको 7 रुपये का यहाँ पर फ़ायदा हो जाएगा। अब अगर 7,27,770 रुपये के ऊपर अगर आपकी इनकम बनेगी नेट टैक्सेबल इनकम, तो यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट काम नहीं करेगा आपका। आइए देखते हैं ये कैसे होगा। अब हमने देखा कि हमारा जो टैक्स का बेनिफिट है वो यहाँ पर कंटिन्यूसली कम होता जा रहा है जैसे जैसे हमारी नेट टैक्सेबल इनकम बढ़ती जा रही है। अब हम एक एग्जांपल जो इसकी ये मैक्सिमम लिमिट है 7,27,770 रुपये इसके ऊपर का लेके देखते हैं। मान लेते हैं कि हमारी जो नेट टैक्सेबल इनकम है वो बन जाती है 7,27,800 रुपये। तो हमारा जो एक्चुअल टैक्स है वो कितना बनेगा? 27,780 रुपये। लेकिन यहाँ पर अगर हम मार्जिनल टैक्स रिलीफ कॉन्सेप्ट लेके आएंगे तो हमें पैसा कितना देना पड़ेगा टैक्स के रूप में? 27,800 रुपये, जो कि हमारे एक्चुअल टैक्स से भी ज़्यादा बन गया। तो इस कॉन्सेप्ट के तहत इस इनकम पर देखिए हमें 20 रुपये का लॉस हो रहा है। और अगर अब हमारी इनकम और ऊपर बढ़ती जाएगी 7,27,800 के और भी ऊपर चलती जाएगी, उतना ही हमारा ये लॉस बढ़ता जाएगा अगर हम मार्जिनल टैक्स रिलीफ कॉन्सेप्ट को अप्लाई करेंगे इस केस में। तो दोस्तों इसलिए हमारी जो मैक्सिमम लिमिट बन गई इस कॉन्सेप्ट के अप्लाई करने की वो बन गई 7,27,770 रुपये। तो दोस्तों आज इस वीडियो में इतना ही था। मैं आशा करता हूँ कि ये मार्जिनल टैक्स रिलीफ का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा, कैसे ये अप्लाई होता है, कैसे कैलकुलेशन होती है और किन किन लोगों के लिए ये बेनिफिशियल है और किन के लिए ये लाभकारी नहीं है, ये आप अच्छे से समझ गए हैं। जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो, पसंद आई हो और आपके कुछ काम आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। इसी तरह के और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए हमारे इस YouTube चैनल फिनोटेक को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। हम मिलते हैं जल्दी किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद।